जय हिंद और ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू इन चाणक्य आईएएस यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग जो है 1990 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। और यह क्वेश्चन नंबर वन है 1991 का, पेपर वन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन। इसके अंतर्गत चार प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। इन किन्हीं चार प्रश्नों में हमें तीन प्रश्नों का उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़कर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कमेंट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन ए, अ सोशल इंस्टिंक्ट इज इम्प्लांटेड ऑल मेन बाई नेचर। ठीक है, येट ही हु फर्स्ट फाउंडेड द स्टेट वॉज द ग्रेट बेनिफैक्टर। यह कथन है एरिस्टोटल का, यह स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन है। इसके माध्यम से आयोग जो है यूपीएससी जो है आपसे पूछना चाहती है। और एक एरिस्टोटल का कथन है तो कथन दे दिया है, उसके ऊपर आपको 200 शब्दों का जो है आंसर में आपको अपनी कमेंट, अपनी राय व्यक्त करनी है। इस क्वेश्चन के माध्यम से यूपीएससी पूछना चाह रही है कि जैसे सोशल इंस्टिंक्ट मतलब सामाजिक जो तत्व होते हैं ना, वो सभी व्यक्तियों में प्राकृतिक तौर पे डाला जाता है, या प्राकृतिक तौर पे जो है सब में सामाजिक गुण होते हैं, सामाजिक चेतना होती है। जैसे सबके बारे में कहा जाता है ना कि ऑल मेन आर बाई नेचर अ सोशल एनिमल। ठीक है, आगे है एट, ही हु फर्स्ट फाउंडेड द स्टेट। यद्यपि आप इस बात को मान के चले कि सब में जो है सामाजिक गुण हैं, लेकिन यद्यपि फिर भी जो सर्वप्रथम राज्य और राष्ट्र का निर्माण किया वो सबसे अधिक इसमें जो है कह सकते हो ना कि लाभ लेगा। बात समझ में आया कि जिन्होंने राज्य की संकल्पना की, जिन्होंने राष्ट्र और राज्य का निर्माण किया, वो इसमें सबसे अधिक बेनिफिट उठाएगा। ठीक है, यह एरिस्टोटल का कथन है। इस कथन से आप जो है एरिस्टोटल के बारे में अगर, क्योंकि देखो जो भी राजनीति शास्त्र को जान पढ़ते होंगे वो एरिस्टोटल को ना पढ़ें, प्लूटो को ना पढ़ें तो हो ही नहीं सकता। तो एरिस्टोटल को जब आप पढ़ोगे तो इनके जो रिपब्लिक के ऊपर विचार हैं, स्टेट और कह सकते हो कि स्टेट और राज्य के संबंध में जो इनके विचार हैं उनसे ही संबंधित यह प्रश्न है। आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और इस प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर वन बी पढ़ के समझते हैं। इन द, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कौटिल्य का यह स्टेटमेंट है, कौटिल्य चाणक्य का। ठीक है, तो कौटिल्य चाणक्य की रिलिवेंसी आज भी है, इनकी प्रासंगिकताएँ आज भी है, और इनसे संबंधित, क्योंकि ये एक रियलिस्ट थिंकर थे और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में ये बात करते थे, उनके बारे में है। उन्हीं के कथन है कि एक राजा कैसा होना चाहिए और राजा की खुशी किस खुशी में निहित है। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग हैप्पीनेस, मतलब प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, इस बात को समझिए। एंड इन द वेलफेयर हिज वेलफेयर, और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। यह कौटिल्य चाणक्य का कथन है, और इस कथन के ऊपर आपको जो है अपनी राय व्यक्त करनी है, कमेंट करना है 200 शब्दों के ऊपर। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब घुमा फिरा कर जो है नहीं पूछा गया है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि राजा की खुशी किस में निहित है, प्रजा की खुशी में राजा की खुशी निहित है, और ठीक उसी प्रकार प्रजा की वेलफेयर, मतलब शायद मेरी आँख में कुछ पड़ गया है, ये प्रजा की वेलफेयर में, प्रजा के हित में राजा का हित सुरक्षित होता है। मान लो अगर प्रजा असुरक्षित महसूस कर रही है, प्रजा में भुखमरी है, प्रजा में गरीबी है, और प्रजा में बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, अधिक जो है उस पर कर और बोझ लाद दिया गया, इस प्रकार प्रजा जब क्रोधित होगी, आक्रोशित होगी, तो सड़कों पर उतरेगी और राजा को सत्ता से बेदखल कर देगी। इसलिए कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा का जो है कह सकते हो कि राजा को मतलब किस प्रकार से देखा जाता है, तो राजा एक वेतन भोगी, जिस प्रकार से अदर राज्य के कर्मचारी होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार राजा भी एक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो राजा का दायित्व ही है जनता का कल्याण करना, जनता का देखभाल करना, अपने राज्य के वासियों का जो है समस्याओं का निपटारा करना, और राज्य की खुशी में ही राजा की खुशी निहित है। ठीक है,
अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 1C देखते हैं, यह रूसो का कथन है कि इफ देर आर नाउ नेचुरल स्लेव्स, अगर अभी भी प्राकृतिक तौर पे कोई गुलाम है, नेचुरल स्लेव की बात कही जा रही है, इट इज बिकॉज फॉर्मली देर वर स्लेव अगेंस्ट नेचर, वह इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में कभी जो है प्रकृति के अगेंस्ट में कोई स्लेव हुआ करता था। ये कथन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे जो है ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये रूसो का कथन है, ठीक है, रूसो का कथन है कि कोई अभी भी जो है प्रकृति का अगर गुलाम है तो अतीत में जो है किसी न किसी परिस्थिति में जो है इसमें कहा जा रहा है कि फॉर्मली देयर वेयर स्लेव अगेंस्ट नेचर, वह प्रकृति के विपरीत कोई गुलाम होगा। तो ये अतीत की बात कही जा रही है, अगर अभी कोई वर्तमान में कोई गुलाम है तो ये सब सारे कथन थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। आप रूसो को एक बार पुनः जो है ध्यान से पढ़ें, और रूसो का जो कथन है इसको तभी आप लिख पाएंगे, इसके ऊपर आप तभी कमेंट कर पाएंगे। और खास करके जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करें, तभी आप इसके आंसर को लिख पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1D देखते हैं। 1D में क्या पूछा गया है कि आवर इपॉस, द इपॉस ऑफ द पोर्चुगीज हैज सिंप्लीफाइड द क्लास एंटागोनिज्म। देखो इपॉस मतलब होता है युग, हमारा युग, युग जो है यह पोर्चुगीज का है, ठीक है, और यह जो है क्लास एंटागोनिज्म, क्लास के विरोधाभास। ये देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का यह कथन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है कि हमारा युग जो है, ठीक है, वो पूरे के पूरे जो है एक प्रकार से कह सकते हो, देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और यहाँ क्लास एंटागोनिज्म है, इसके मतलब है कि मार्क्सिज्म में या कम्युनिज्म में क्लास के विरोधाभास या क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। ये आप लोग को मालूम ही है, कैसे वो बताते हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक कह सकते हो कि वर्कर्स और फैक्ट्री ऑनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस प्रकार से जो संभ्रांत लोग होते हैं और जो गरीब तबके होते हैं उनके मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता है। वही बातें इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारा युग जो है बोर्जेस का युग है, ठीक है, हैज सिंप्लीफाइड द क्लास एंटागोनिज्म। बोर्जेस कहने का मतलब है जो संभ्रांत लोग हैं, ठीक है, उनका युग है अभी जो है सामंतवादी युग है, और यह सामंतवादी युग जो है जो क्लास एंटागोनिज्म है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो बोर्जेस और प्रो लिट्रेंस के बीच में हमेशा जो है विरोधाभास चलती रहता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिज्म की बात करती है, यह बात तार्किक लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही आदर्शवादी यह सपने हैं जो कम्युनिस्ट वगैरह लोग सजाते हैं। लेकिन दो देश है जिन्होंने कम्युनिज्म को धारण किया, जैसे USSR और फिर चाइना, दोनों ने फिर अंतर्गत जो है कैपिटलिज्म मॉडल को अपनाया और ओपन डोर पॉलिसी के तहत जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कुछ हद तक कुछ सिद्धांतें बहुत तार्किक लगती है। और फिर देखो कैपिटलिज्म ने भी अपने आप में सुधार किया, जैसे वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स और स्टेप्स उठाए, ताकि जो लोगों का जो सोशल राइट है, इकोनॉमिक और कैसे का बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम राइट्स हैं, वो उन्हें उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नेट वगैरह प्रोवाइड कराया गया। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत चार प्रश्न हैं, इन किन्हीं चार प्रश्नों में आपको किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।